करें मेरे बहनों और भाइयों, कुछ चीजों की चर्चा आज मैंने आपसे की है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नामांतरण और बंटवारे में तो अब आप लोग जाएं पीएचई वाले। नहीं सर, ये बिल्कुल टाइम नामांतरण और बंटवारे में जी। क्या स्थिति हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? सर हो रहे हैं सर, 1 अप्रैल से अभी तक सर लगभग 12,000 नामांतरण के आवेदन आए थे, 8,000 से ज्यादा सर पूर्ण हो गए। 3 माह का समय रहता है, हम लोग समय सीमा पे। अब देखो भैया, मैं सीधा कह रहा हूं, मेरे पास आवेदन नहीं आने चाहिए। अगर जिले में ठीक काम होगा तो मेरे पास आवेदन काय को देंगे? मेरे पास अगर आवेदन आए सही, गलत समस्याओं का नहीं कह रहा मैं कि कुछ पात्र नहीं है और कह उनका नहीं कह रहा मैं। ये नामांतरण जैसी चीजें आनी नहीं चाहिए, जीरो कर दो बिल्कुल, सबके हो जाएं। अविवादित नामांतरण बंटवारे, इसमें कोई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फसल क्षति की राशि तो मिल गई लोगों को, खाद की कोई दिक्कत तो नहीं है? खाद की कोई समस्या नहीं है सर। यूरिया भी हमारे पास 4400 मैट्रिक टन है सर, डीएपी 5400 मैट्रिक टन। ये मैं किसानों से कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा। ये खाद का पूरी सूची बनाओ, ठीक है सर। और एक बात सुन लो रे किसान भाइयों, खाद पूरा उपलब्ध कराऊंगा, ब्लैक कोई करे तो मुझे खबर कर देना। ब्लैक अगर कोई करे तो मुझे खबर कर देना, बुलडोजर चलाऊंगा सीधे, ब्लैक होने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत। ये जरा ध्यान रखें, आपके जासूस फैले रहने चाहिए जी सर। कलेक्टर का भी खुफिया विभाग होना चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है सर। और किसान मोर्चा का यही काम है, करो भाई, काहे को चुपचाप बैठे हो। खाद पर्याप्त है और जहां जरूरत है वहां पहुंचाएंगे, पहले से बता दो। लेकिन खाद की कोई कमी जनता को और किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। और ये ऐसा पैसा देना बंद करो, मामा काय के लिए जरूरत पड़े तो खबर भर कर दो, बाकी सब काम अपन कर लेंगे, चिंता नहीं। गांव गांव में अपनी फौज तैयार हो जाए, गड़बड़ करने वालों को ठीक किया जाएगा, सबको इनको छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई विषयों पर आज मैंने सार्वजनिक रूप से एक और सुनाए, रायसेन जिले में चोरियां बहुत हो रही है भाई। अब वो जनता बैठी है, ये जनता की आवाज है, चोर कैसे घुस रहे और पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये बता दूं। सर चोर पकड़े जा रहे हैं सर, अभी तक 50 सर 50 से 60 चोर पकड़े गए हैं सर, और अभी भी हमारी टीमें लगी हुई है सर, बहुत सारे गैंग पे काम कर रहे हैं सर, और बैठे हुए हैं कोतवाली थाने पे सर। आपने जैसा निर्देश किया है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देंगे सर। देखो सीधा कह रहा हूं मैं, एक तो चोरी होना नहीं चाहिए, चोरी होने का मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है, और डर ऐसा होना चाहिए कि चोरी करने वाले कांप जाएं कि छोड़ेगी नहीं पुलिस, और इसलिए सख्त करो। कोई PI PI अगर ढीला ढाला बदल दो, कोई बेईमानी करता है तो हटा दो, उसमें कौन सी दिक्कत है मुझे बता दो। एक PI हटाया कोई यहां का? PI जिसकी चोरी हो रही हटा के हटाया क्या? जी सर, ये ढीले डाले कोई नहीं चलेंगे। और मेरे पास जो खबर है, हत्या की वारदातें भी 14 हुई है। कितनी हत्या की वारदातें हुई? 30 हत्याएं हुई है सर अभी तक। पकड़े कितने गए? गए कि नहीं? 27 पकड़े जा चुके हैं सर। 3 भी पकड़ो और पकड़ के ऐसा सही करो कि दोबारा भूल जाए अपराध का। देखो अपना खुला खेल है भाई, बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ये चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले और दुराचारी अगर कोई है तो सीधे ऐसा सबक सिखाओ कि 7 पीढ़ियां याद रखे, फांसी के फंदे पर तो मैं लटक पाऊंगा। सख्त प्रशासन चाहिए जी सर। और मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं सर। और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं नहीं रखूंगा भाई, सीधी सीधी बात, क्लियर है सर। परिणाम होगी सर, आप परिणाम दीजिए। और ढीले ढाले PI PI हो, गड़बड़ हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, कोई अपराधियों के साथ मिलके चल रहा हो तो नाम निकालो कौन कौन है, उनको भी ठीक करेंगे। तो ये कानून और व्यवस्था चकाचक होनी चाहिए। और एक मैंने नशे के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है, ये अवैध दारू, पता नहीं काय काय की गोलियां, सफेद पुड़िया, ये तो अपने जिले में नहीं चल रही कहीं। सर आपने जैसा निर्देश किया है सर, गांजे पे शराब पे पिछले 4 दिनों से बड़ी कार्रवाई हो रही है, अभी तक 15 गांजे की कार्रवाई। देखो अगर कोई अवैध शराब बेचता है तबाह कर दो,
कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। दारू पी के गदर मचा और बहनों की जिंदगी से खिलवाड़ करे, ये मध्य प्रदेश की धरती पे मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। नशे की जड़ों पर प्रहार करूंगा, ये अवैध धंधे नहीं चलेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे वो LSD की गोलियां पुड़िया जितने भी सक्षमता के साथ अभियान चला भाई। बढ़िया कानून और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। बोलो नशे के खिलाफ अभियान चलना चाहिए कि नहीं? अभियान चला और खत्म कर, ये सब नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बेहतर बने ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मुझे आजकल सवेरे 6:30-7 बजे भी मीटिंग करता हूं मैं, रात को उज्जैन से महाकाल बाबा। अरे क्या आनंद था, ऐसा आनंद आया कि जीवन धन्य हो गया, श्री महाकाल लोक बन गया, पुरी ने बनवाया। और वहां से रात को 2:30 बजे लौटा और सवेरे से फिर काम में लगाऊंगा। जब तक सांस चलेगी तुम्हारे लिए जीऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बने। आज जिनके खाते में पैसा गए उनको भी मैं बधाई देता हूं। अब ये कार्यक्रम तो था पूरे प्रदेश का, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो करो। सांसद जी मुझे वहीं से कहते आ रहे थे कि साहब मेरा क्षेत्र है, मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा कि नेता पहले ही बहुत है, लेकिन उनने भी रमाकांत जी ने भी कहा कि रायसेन नगर में पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए सर्वे करवा के, यहाँ अर्बन डेवलपमेंट वाले कौन है, करवाओ सर्वे फटाफट, निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी वो करेंगे। और यहाँ सांस्कृतिक सभागार भी बनाया जाएगा, बढ़िया ऑडिटोरियम, जिससे हमारे अच्छे कार्यक्रम हो सके। रायसेन जिले में और उद्योग कैसे आए उस दिशा में भी हम काम करेंगे। और रायसेन के किले पे ऊपर जाने के लिए गाड़ी से नहीं रोप वे लगाया जाएगा, ताकि बैठो और सीधे रायसेन के किले पे चले जाओ। बोलिए भारत माता की। वो और को बात कर ले 2-3 लोगों से जो अलग अलग जुड़े। अब ये कार्यक्रम केवल यही नहीं हो रहा, प्रदेश में कई जगह हो रहा है, तो 2-3 लोगों से प्रदेश में भी बात कर ले। छतरपुर में आदरणीय रेखा जाटव जी मौजूद हैं। छतरपुर में रेखा जी, रेखा जी मेरी आवाज आ रही है जी सर? रेखा